गुड मॉर्निंग दोस्तों, यूनी कोचिंग क्लासेस में यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत जो है स्वागत है। आज हम लोग जो है क्लास ट्वेल्थ का एक चैप्टर है द लास्ट लेसन, ये इसका क्वेश्चन आंसर जो है जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे उसके बारे में, जिसमें मैंने क्वेश्चन लिखा है। पहला क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर हैमल एज ए टीचर। माने इस चैप्टर में जो मिस्टर हैमल एक टीचर के रूप में हैं उनका कैरेक्टर हमको इसमें लिखना है। मिस्टर हैमल का कैरेक्टर इस चैप्टर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहा, तो उन्हीं के बारे में आप जितना भी कुछ जानते हैं वही हमें इसमें लिखना है। ठीक है, मैंने लिखने का प्रयास किया है, मिस्टर हैमल द फ्रेंच टीचर इमर्जिज एज एन इपिटोम ऑफ एन आइडियल टीचर। जो मिस्टर हैमल हैं वो एक फ्रेंच टीचर हैं। इमर्ज का मतलब होता है निकलना, माने एक फ्रेंच टीचर के रूप में जो है निकले। एज एन इपिटोम, इपिटोम का मतलब होता है प्रतिमान, इपिटोम का मतलब होता है प्रतिमान। आप एन आइडियल टीचर, माने मिस्टर हैमल एक फ्रेंच टीचर हैं और यह एक जो है आदर्श टीचर के प्रतिमान के रूप में निकले, माने इमर्ज हुए। ही इज इंट्रोड्यूस्ड बाई द नैरेटर, माने उनकी पहचान कैसे है एक नैरेटर के रूप में, माने उन पूरी कहानी को जो है लिखने वाले कौन है, यही मिस्टर हैमल हैं। हु इज स्ट्रिक्ट, जो है स्ट्रिक्ट रहते हैं, माने थोड़ा सा दृढ़ रहते हैं, कठोर रहते हैं। ही ऑलवेज केप्ट हिज, करा कि ही ऑलवेज केप्ट हिज टेरिबल रूलर अंडर हिज आर्म, माने वह हमेशा क्या करते हैं, केप्ट माने रखते हैं, माने डराने वाला, टेरिबल माने डराने वाला, एक रूलर, रूलर का मतलब छड़ी से है, अपने जो है कहाँ रखते हैं, आर्म, आर्म का मतलब बाह के अंदर, माने अपने बाह में एक जो है डराने वाला छड़ी हमेशा रखते थे। और ही इज इनसेंसिटिव द फीलिंग्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड टेक्स प्राइड इन द इम्फैटिक टोन। देखिए, इनसेंसिटिव का मतलब होता है उदासीन। तो इसमें बताया गया कि ही इज इनसेंसिटिव, माने वह उदासीन रहते थे, माने उनसे उदास। द फीलिंग्स ऑफ द स्टूडेंट्स, माने करा जो विद्यार्थियों की वहाँ फीलिंग्स थी, भावनाएं थीं, उसके प्रति वह उदास रहते थे। और टेक्स प्राइड इन हिज इम्फैटिक टोन, और वह हमेशा क्या करते थे, लिखा है कि टैक्स, यहाँ से देख लीजिए, वह मतलब बच्चों के प्रति जो उनकी भावनाएं थी उसके प्रति उदास रहते थे। और टेक्स प्राइड, माने वह हमेशा जो है प्राइड माने जैसे गर्व के साथ रहते थे, इन हिज इम्फैटिक टोन, माने अपने जैसे। इम्फैटिक टोन का मतलब होता है जैसे कभी कभी जो है इंसान टीचर पढ़ाता है तो गुस्से में बोलता है, तो वो हमेशा दृढ़तापूर्वक जो है बने रहते थे और उस आवाज़ में जो है टोन में बोलते रहते थे। ही बिकेम जो है सॉफ्ट, लेकिन वह कैसे थे, बहुत ही सॉफ्ट थे और जेंटल जो है टूवर्ड्स हिज स्टूडेंट्स, माने अपने बच्चों के प्रति वह जो है कैसा भाव रखते थे, बहुत ही जेंटल, जेंटल का मतलब होता है सज्जनता का भाव रखते थे। ही एडवाइजेज द इनोसेंट विलेजर्स, माने वह एडवाइज माने हमेशा सलाह देते थे किसको, इनोसेंट विलेजर्स माने गांव वाले जो है, जो इनोसेंट माने होता भोला भाला, जो भोले भाले गांव वाले होते थे उनको टू शिफ्ट करने के लिए, टू शिफ्ट देयर प्रायोरिटीज, माने कह रहा है कि उन्हें एक अच्छा जो है प्रायोरिटीज देने का जो है वो हमेशा एडवाइस करते थे। और कह रहा है कि एंड पे मोर अटेंशन टू लर्निंग एट स्कूल, और वो हमेशा कहते थे कि अटेंशन माने ध्यान देने के लिए स्कूल की लर्निंग पे, माने जो स्कूल में पढ़ाई होती है उस पढ़ाई पर हमेशा ध्यान देने के लिए वो बोलते थे। ही डिक्लेयर्ड दैट, और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इट वॉज हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच, कि यह जो है फ्रेंच का क्या था, अंतिम जो है पाठ था। आगे लिखा है मिस्टर हैमल वॉज हाईली रिस्पेक्टेड, मतलब मिस्टर हैमल जो थे काफ़ी हाईली रिस्पेक्टेड, सम्मानित व्यक्ति रहे,
बाई हिज स्टूडेंट्स, अपने विद्यार्थियों के द्वारा भी, और जो विलेज के एल्डर्स माने बड़े लोग थे, बड़े बुजुर्ग लोग थे, उनके द्वारा बड़े सम्मानित व्यक्ति रहे वो। वी सी हिम एज ए मैन ऑफ डीप इमोशंस, हमने उन्हें देखा कि वह एक जो है गहरी जो है इमोशन, इमोशन का मतलब जो है भावना होता है, तो गहरी जो है भावना में डूबे हुए व्यक्ति थे। वेन ही प्राउडली राइट्स, जब वह जो है गर्व से लिखते हैं वाइप लव फ्रांस ऑन द ब्लैक बोर्ड इन द एंड, अंत में उन्होंने यही लिखा वाइप ला जो है फ्रांस, ही इज रियली एन आइडियल टीचर, वह वास्तव में एक जो है आदर्श टीचर के रूप में थे, और ट्रू जेंट ट्रू गाइड माने एक सही मार्गदर्शक के रूप में थे, और एक ग्रेट फिलासफर, और एक जो है क्या थे महान दार्शनिक के रूप में जो है इनका कैरेक्टर रहा मिस्टर हैमल का। दोस्तों मिस्टर हैमल के बारे में आप जो भी जानते हैं, उनके कैरेक्टर के बारे में आपको जितना भी पता है आप इसमें जो है लिख सकते हैं। आपको बड़ा अगर लगता है क्वेश्चन तो आप अपने से भी इसमें जो है कुछ काट पीट कर सकते हैं, या कुछ और अलग से आप लिख सकते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो को आगे ले जाने से पहले, दूसरा सेकंड क्वेश्चन बताने से पहले मैं यही कहूँगा, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और मैं आपको बहुत से क्वेश्चन जो है प्रोवाइड कराऊंगा हर एक चैप्टर का। अब हम चलते हैं जो है दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जहाँ लिखा है दूसरा क्वेश्चन व्हाट इज़ द थीम ऑफ द लास्ट लेसन, माने जो ये अंतिम पार्ट था जिसमें नैरेटर का काम कौन किया, मिस्टर हैमल ने किया था, तो इस अंतिम पार्ट में जो है कह रहा है कि इसका मेन थीम क्या है। थीम का मतलब आप समझ रहे होंगे, इसका थीम क्या है, तो मेन मतलब इसमें क्या बात थी, उसी का इसमें वर्णन है। लिखा है द लास्ट लेसन इज ए लेसन, माने अंतिम जो पार्ट है एक लेसन है, जो रिटेन इन द डेज ऑफ वॉर, जब ये कब लिखा गया था, युद्ध के दिनों में, कब लिखा गया, युद्ध के जो है दिनों में लिखा गया था। आगे लिखा है कि द थीम ऑफ द लेसन इज, देखिए यही है कि इस चैप्टर इस लेसन का थीम क्या रहा, द पेन माने कष्ट दैट इज इन्फ्लिक्टेड ऑन द पीपल ऑफ ए टेरिटरी बाय इट्स कॉन्क्वेरर्स बाय टेकिंग अवे द राइट टू स्टडी और स्पीक देयर ओन लैंग्वेज, माने वहाँ के लोगों का कहना था कि भाई जो हम पढ़ाई करते हैं वो अपने ही लैंग्वेज में करेंगे, जबकि कुछ आर्डर आया था कि आपको क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे बताया गया कि द पेन दैट माने जो कष्ट है वो इन्फ्लिक्टेड ऑन द पीपल, माने जो पीपल हैं, माने जो पीपल माने लोग हैं, इन्फ्लिक्टेड माने उस पर आरोप है, माने आरोपित है, क्या आरोपित है कि बाय इट्स कॉन्क्वेरर्स, जो उनके कॉन्क्वेरर्स के द्वारा मतलब एक आदेश आया था कि बाय टेकिंग अवे द राइट टू स्टडी, माने उन्हें जो है क्या पढ़ना है या क्या बोलना है, देयर ओन लैंग्वेज माने उनके ही लैंग्वेज में, माने उनके लैंग्वेज, जो वहाँ की गवर्नमेंट रही वहाँ से आदेश आया कि उनके लैंग्वेज में बात करनी है, पढ़नी है। द जर्मन्स हैव गॉट विक्टोरी ओवर ए टेरिटरी ऑफ फ्रांस, जबकि जो जर्मन लोग थे वो किस पर विक्टोरी माने विजय पाए थे, माने जो टेरिटरी माने जो वहाँ का इलाका था, जो प्रदेश था करा फ्रांस का, माने उस पर, और इन द बैटल माने युद्ध के मैदान में, इट कंसिस्ट ऑफ एल्सेस एंड जो है लोरेन, माने इसमें कौन कौन से जो है कंसिस्ट थे, एल्सेस और लोरेन। इट वॉज द ऑर्डर ऑफ बर्लिन, मैंने बताया ना कि ये बर्लिन से एक ऑर्डर आया था कि जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स, माने जर्मन को जो है स्कूल में सिखाया जाए एल्सेस और लोरेन के बारे में, एल्सेस और लोरेन के बारे में। और कह रहा है द न्यू जो है टीचर वुड कम, नए टीचर आएंगे द नेक्स्ट डे माने अगले दिन, और इट वाज द पेनफुल आइडिया, यह बहुत ही कष्टदायक आइडिया माने विचार था फॉर द पीपल ऑफ एल्सेस एंड लोरेन, माने ये एल्सेस और लोरेन के लिए बहुत ही कष्टदायक एक विचार था, दैट देयर माइट टू स्टडी आर स्पीक, माने कह रहा है कि दैट देयर माइट टू स्टडी, माने जिसका जो है स्टडी करना या स्पीक माने बोलना फ्रेंच में,
फ्रेंच वॉज टेकन अवे बाई द जर्मन्स, माने जो ये फ्रेंच है वो जर्मन के द्वारा जो है मतलब बोला गया, द विलेज पीपल हैड टू ज्वाइन द स्कूल ऑफ जर्मन, माने जो गांव के लोग थे वो भी जर्मन के स्कूल में क्या करते थे जो है ज्वाइन होते थे, बट लेकिन दे वेयर जो है क्राइंग, लेकिन वे रोना शुरू कर दिए, दैट देयर राइट ऑफ लर्निंग फ्रेंच हैड बीन टेकन अवे बाई द जर्मन्स। क्यों रोना शुरू कर दिए थे? क्योंकि जो उनका फ्रेंच सीखने का जो अधिकार था, जो उनका राइट था, हैड बीन टेकन, माने उनसे छीना जा रहा था, किसके द्वारा? जर्मन लोगों के द्वारा। माने जर्मन लोग क्या कर रहे थे, उनकी जो भाषा थी फ्रेंच भाषा थी, न उन्हें पढ़ने दे रहे थे, न बोलने दे रहे थे। उनका कहना है कि जो यहाँ की भाषा है, जो जर्मन की भाषा है, उसे जो है आप बोलिए, उसी को जो है स्वीकार करिए। दोस्तों यही इसका मेन थीम था, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और आप इसका जब रिवाइज करेंगे तो आपको खुद से आ जाएगा। फिर मैं कह रहा हूँ कि आप जो है अपने से चाहेंगे तो इसके थीम को अपने से आप बना कर लिख सकते हैं बोर्ड के पेपर में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैंने दो क्वेश्चन आपको दिए हैं, और मैं यही फिर कहूँगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, मैं आपको क्वेश्चन देता रहूँगा। थैंक यू।